हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेक्टर फूड के बारे में बात कर रहे हैं। वेक्टर फूड का जो शेयर है 417 तक गया था 5-7 को। इससे पहले 450 तक भी गया था, उसके बाद फिर से डाउन हुआ था। और 400 तक का लेवल छूने के बाद ये फिर से 417 पे गया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ और 405 पे आया। यहाँ भी वही स्थिति बन रही है। यहाँ पर 452 गया, थोड़ा सा डाउन हुआ, 444 आया, और फिर यहाँ पे 457 यानी 60 के आसपास ये होने के बाद थोड़ी सी की इसमें गिरावट देखने को मिली है और 455 के है। तो 4 या 5 दिन तक हो सकता है कि ये शेयर जो है इसी रेंज में घूमता रहे, 450 से लेकर 460 के अंदर तक, 4 से 5 दिन तक, और उसके बाद फिर से ये 500 तक का लेवल टच करेगा। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग मतलब कि ये शेयर खुलते ही 462 या 465 पे जाएगा, 2-3% का अप लगा के, और फिर उसी लेवल पे हमेशा ट्रेड करता रह जाएगा। फिर अगले दिन 462 से 470 तक जाएगा और फिर उसी लेवल पे वो ट्रेड करता रहेगा। फिर तीसरे दिन क्या होगा, 480 पे ओपन होगा और उसी पे वो ट्रेड होता रहेगा, और फिर अगले दिन 490 पे ओपन होगा और उसी पे ट्रेड होगा। यानी इसमें इंट्राडे करने का मौका किसी को नहीं देंगे। तो जब कोई भी शेयर बहुत हाई टाइम से होके अगर लोड पे पहुंचती है, हाई पे पहुंचने में उसको इसी तरीके से बढ़ना पड़ता है। गैप अप ओपनिंग करेगी, 10 पॉइंट बढ़ेगा और उसी लेवल पे दिन भर ट्रेड करता रहेगा, और इंट्राडे वाले को कोई इसमें मौका नहीं मिलता है। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है कि 455 से लेके 450 से लेके 460 के बीच में 5-7 दिन तक रहने के बाद ऐसे 10-10 पॉइंट करके रोज़ बढ़ता जाएगा, और जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हैं वो घबरा के इसको बेचते चले जाएंगे। तो अब ये इसका रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, और ये मीटिंग भी होने वाली है। जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं वो तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो FMCG का है। ये कोरोना में लॉकडाउन में भी आपको बचाएगा, और है तो मल्टीवेगर, और इसी तरीके से ये हर क्वार्टर में 50-60 पॉइंट का बढ़ देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्वार्टर में ये कम से कम 525 तक जाएगा, 525 से 550 तक, और उसके बाद फिर से डाउन होकर 500 तक आ जाएगा। फिर अगले क्वार्टर में ये 600 तक जाएगा और फिर डाउन होकर 550 पे आ जाएगा। तो 100 पॉइंट बढ़ेगा, फिर 50 पॉइंट कम होगा, फिर 100 पॉइंट बढ़ेगा, 50 पॉइंट कम हो जाएगा। और जब इसका अपना ऑल टाइम हाई छूने के बाद ये फिर तेज़ी देखने को मिलेगी इसमें, और फिर इनका जब नया प्लांट आएगा तो उसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी, और 1000 का आंकड़ा भी देखने को मिल सकता है बहुत छोटे से समय में।